नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। नॉर्मली हमें अखबारों में यही पढ़ने को मिलता है कि लोकल अथॉरिटी या सरकार बढ़ चढ़कर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है और इससे बहुत सारे रोजगार भी पैदा होते हैं। लेकिन इसी बीच अगर कहीं से ये खबर आए कि कोई शहर या देश अपने देश में टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहा और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा, तो थोड़ा सा ये सुन के अटपटा सा लग सकता है। लेकिन जब आप इन सब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से अगर किसी भी जगह पे या किसी भी जगह का ओवर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो उसके भी अपने नुकसान होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बार्सिलोना का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है स्पेन में। भले ये न्यूज बार्सिलोना स्पेन का है, लेकिन इसके पीछे का जो वजह है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो बार्सिलोना में हो रहा वही भारत में हो रहा और वही तकरीबन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा जहां पे टूरिस्ट जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उस चीज का जो कीमत होता है वो काफी बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर आप भारत में भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं या किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि उसके आसपास काफी गंदगी होता है और जो चीजों के कीमत होते हैं वो भी काफी बढ़ा हुआ आपको मिलता है। और चांसेस ये भी है कि पैसे खर्च करने के बावजूद आपको उस तरीके का फैसिलिटी नहीं मिलता है जिस तरीके का आप एक्सपेक्ट करते हैं या आपने पैसे खर्च किए हैं। अगर हम बात करें बार्सिलोना के बारे में, तो साल 2022 में यहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे वो 9.7 मिलियन गए थे और ठीक उसके अगले साल यानी कि साल 2023 में ये लगभग 3 गुना अधिक हो जाता है। अगर आप इन सब चीजों को सिर्फ अखबार में पढ़ेंगे तो आपको ये लग सकता है कि किसी भी जगह पे जितने लोग जाएंगे वो उतने पैसे खर्च करेंगे, तो जो लोकल इकोनॉमी है, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनके जेब में काफी पैसा जाएगा। ये तो वो चीज है जो हम अज्यूम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हम भूल जाते हैं वो ये है कि अगर किसी भी जगह पे अधिक से अधिक लोग पहुंचते हैं तो वहां का जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर काफी प्रेशर बिल्ड होता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मली भारत हो गया या दुनिया के और भी किसी हिस्से में जहां पे अधिक टूरिस्ट जाते हैं उस जगह के आसपास आपको बड़े बड़े होटल्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, शोरूम्स मिलते हैं, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनका भी एक अपना बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जहां मैं रहता हूं, यहां जहां आप लोग रहते हैं, आप सोचिए कि उस लोकेलिटी में सिर्फ और सिर्फ शोरूम खुल जाए या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल जाए तो आपके जो डेली बेसिक का जो सामान होता है वो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको उस लोकेलिटी में। तो उसके कारण क्या होगा कि आपको काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अपने हर रोज के जो जरूरत के सामान को खरीदने के लिए। और उसके बाद चांसेस ये भी बढ़ जाता है कि आपके शहर में जो बिजली है, पानी है, उसका सप्लाई किसी भी तरीके से बाधित हो जाए और जो लोकेलिटी का जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जब एक सीमित एरिया का इस्तेमाल अधिक से अधिक होना शुरू हो जाता है तो वहां पे जो लोग काफी लंबे सालों से रहते हुए आ रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि उनके जो जमीन है, उनके जो प्रॉपर्टी है उसको खरीद लिया जाए ताकि उनके जो प्रॉपर्टी है उस पे बड़े बड़े होटल्स को बनाया जाए और किसी रियल एस्टेट बिल्डर को बेच दिया जाए। तो इसके कारण भी क्या होता है कि जो उस लोकेलिटी का जो रेट होता है वो काफी बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है कि जो हाउसिंग कॉस्ट होता है यानी कि आपके जो इनकम है उससे कहीं ज्यादा खर्च आसपास के लोकेलिटी में बढ़ चुका है क्योंकि आसपास के लोकेलिटी में बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इसका जो असर होता है वो डायरेक्टली आपके जेब पे पड़ना शुरू हो जाता है। और ये बात सिर्फ बार्सिलोना स्पेन या किसी और जगह का नहीं है, बल्कि इसको अगर आप अपने आप लोकेलिटी से या कहीं अगर आपको मौका मिला होगा घूमने जाने के लिए, अगर आपने वहां पे भी ऑब्जर्व किया होगा तो ये फेनोमेना आपको वहां पे भी देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर आप इस टाइप के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी देश के पास सफिशियंट जमीन होता है, उनके पास सफिशियंट पैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने बिजनेसेस को किसी और के माध्यम से चलाते हैं। तो किसी भी जगह पे अगर खूब सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, वो होटल्स खोल लेते हैं, आसपास के जमीन को परचेस कर लेते हैं, या बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि चीजों को अपने पास गलत तरीके से जमा कर लेते हैं और उसको मार्केट में रिलीज नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीजों का जो कीमत होता है वो काफी बढ़ जाता है और जो एक आम आदमी होता है वो उस चीज के लिए अधिक पैसे पे करता है जिसके लिए शायद वो उतना अधिक पैसे पे करना रीजनेबल भी ना हो। एग्जैक्टली कुछ इन्हीं सब चीजों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा बार्सिलोना में, बल्कि और भी अलग अलग यूरोप के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे भी एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बिल बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा जहां पे साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा जा रहा कि टूरिस्ट यहां पे वेलकम नहीं है,
अगर फॉर एग्जाम्पल हम होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या एयरलाइंस इंडस्ट्री की हम बात करें, तो इनका जो बिजनेस होता है वो तभी चलता है जब लोग अधिक से अधिक ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरोप में कोई एक देश है या कोई एक जगह है जो काफी सुंदर है और वो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनता है टूरिस्ट के लिए, तो एयरलाइंस कंपनी क्या करें कि उस स्पेसिफिक रूट के लिए किराया कम कर देंगे और बढ़ चढ़कर उसके बारे में एडवर्टीजमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ एक इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए एक जो बहुत बड़े जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। और ये सब जो फेनोमिना है ये तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में आपको देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिया। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए बार्सिलोना के बारे में, तो बीते 10 सालों में जो आसपास का जो किराया है वो लगभग 33% बढ़ गया है। इसको आप समझिए कि अगर आप 5 साल या 6 साल में ही किसी चीज को आप 100 रुपए में खरीद रहे हो और उसका प्राइस आपको सडनली 33% अगर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो ये जो लोकल लोग हैं उनके जेब के ऊपर काफी प्रेशर क्रिएट करता है। और उसके बाद जितना खर्च किया जा रहा उतने लोगों का आमदनी है नहीं, क्योंकि जो लोग सरकार में होते हैं कहीं ना कहीं वो कंट्रोल किए जाते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं उनके आसपास उनका बिजनेसेस चलता है। अब क्योंकि बार्सिलोना के जो लोकल हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं और बढ़ चढ़कर उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाना है कि वो लोग काफी चिंतित हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या किया गया कि जो वहां के होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर और टैक्स लगा दिया गया है। और वैसे डेस्टिनेशन जहां पे टूरिस्ट अधिक से अधिक जाते हैं वहां का भी जो किराया है या जो एक टिकट का चार्ज होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब है कि ये सारे मेजर्स तो वो हैं जो आपको नॉर्मल अखबारों में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट दुनिया के सभी नियम को सरपास किया जा सकता है और किया जाता है। उसके बाद क्या है ना कि अगर हम क्रूज शिप को फोटोज में या वीडियोज में देखते हैं तो ये देख के काफी अच्छा लगता है। हम भी सोचते हैं कि काश हमें भी मौका मिलता या हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हम इस टाइप के लग्जरी शिप में जाके ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि जितना ज्यादा समुद्र में या किसी स्पेसिफिक एरिया में शिप ऑपरेट करता है उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो समुद्र के नीचे का हिस्सा होता है जहां पे अलग अलग टाइप के मछलियां या समुद्र में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के मछलियां हैं वो अब लुप्त हो गए हैं, और साथ में पॉल्यूशन हो गया या प्लास्टिक का स्टोरेज हो गया, ये सारे चीज कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए जो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल है या सिगरेट है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो जितना लिमिट उस एरिया को एब्जॉर्ब करने का होता है उससे कहीं ज्यादा टूरिस्ट के अधिक आने से हो जाता है। बीते कुछ सालों में चाहे इटली हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या कह सकते हैं कि दुनिया के तकरीबन सभी देश जहां पे बढ़ चढ़कर टूरिस्ट जाते हैं वहां पे किसी न किसी तरीके का टैक्स को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो वहां पे टूरिस्ट का फुटफॉल है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको लिमिट किया जाए। क्योंकि जो सरकार होते हैं उनके लिए भी मजबूरी होता है कि उनको अपने देश का इकोनॉमी को चलाना होता है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक टूरिस्ट को अपने देश में बुलाएं ताकि जो लोकल इकोनॉमी है वो चलता रहे। लेकिन साथ में अगर किसी भी तरीके से चीजों को अगर मैनेज नहीं किया जाता है तो जिस चीज को आज हम प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं वही चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह उभर के आता है, जैसा कि हम देख सकते हैं बार्सिलोना के केस में, या अगर आप भारत में भी अगर आप उत्तराखंड हिमाचल तरफ जाते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली ये सुनने को मिलेगा कि वहां पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। उसके पीछे का भी जो वजह है वो है ओवर कंस्ट्रक्शन, और जब ओवर कंस्ट्रक्शन होता है तो इसके पीछे सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है बल्कि सभी पार्टियों का इसके पीछे भागीदारी होता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उन्हीं लोगों का होता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।